ओम शांति। आज है 30 जनवरी 2021। मुरली का सार, मीठे बच्चे, तुम्हारी याद की यात्रा बिल्कुल ही गुप्त है। तुम बच्चे अभी मुक्ति धाम में जाने की यात्रा कर रहे हो। प्रश्न: स्थूल वतनवासी से सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर: सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनना है तो रूहानी सर्विस में हड्डी हड्डी स्वाहा करो। बिना हड्डी स्वाहा किए फरिश्ता नहीं बन सकते, क्योंकि फरिश्ते बगैर हड्डी मांस के होते हैं। इस बेहद की सेवा में दधीची ऋषि की तरह हड्डी हड्डी लगानी है, तभी व्यक्त से अव्यक्त बनेंगे। धारणा के लिए मुख्य सार: पहला, अंतिम विनाश की सीन देखने के लिए अपनी स्थिति महावीर जैसी निर्भय अडोल बनानी है, गुप्त याद की यात्रा में रहना है। दूसरा, अव्यक्त वतनवासी फरिश्ता बनने के लिए बेहद सेवा में दधीची ऋषि की तरह अपनी हड्डी हड्डी स्वाहा करनी है। वरदान: एकांत और अंतर्मुखता के अभ्यास द्वारा स्वयं को अनुभवों से संपन्न बनाने वाले मायाजीत भव। नॉलेजफुल के साथ पावरफुल अर्थात अनुभवी मूरत बनने के लिए एकांतवासी और अंतर्मुखी बनो। डगमग होने का कारण है अनुभव की कमी, इसलिए सिर्फ समझने समझाने वाले या मनन मूरत नहीं बनो, एकांतवासी बन हर पॉइंट के अनुभवी बनो, तो किसी भी प्रकार के धोखे से, दुख व दुविधा से बच जाएंगे। किसका बच्चा हूँ, क्या प्राप्ति है, इस पहले पाठ का अनुभव कर लिया तो मायाजीत सहज ही हो जाएंगे। स्लोगन: जिम्मेवारी संभालते हुए डबल लाइट रहने वाले ही बाप के समीप रतन हैं। ओम शांति।